राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम वह बारिश का दिन। तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं। ये तुम्हारा हरा दिया, हरा दिया। वैसे तनु, हाँ, बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है। जी, पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया। नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ। ये कैसी अजीब बात है। देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है। ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की? ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे। अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस। लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं। अच्छा, हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए। हाँ, बेटा सुनाता हूँ। जल्दी सुनाइए। अरे सोचने तो दो, जल्दी सोचिए। मैं किसकी कहानी सुनाऊं, देखो। अरे जीवन काका। अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई। बाबूजी, हाँ, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है। बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ। जी, यहाँ लेट जाओ। जी, लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु, जी जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ। जी अभी लाई। हाँ हाँ, खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो। जी, पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है। जी, पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो। जी 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 जी। अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन। जी, 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 नाना जी। हाँ ला बेटा ला। जीवन जी, जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो। डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी। तो नाना जी ने तनु से पूछा, अरे तनु। जी। क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है? नाना जी,
मैं सोच रही थी, जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे? बेटी तनु जी, ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है। तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना। सुनो जी, जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे। लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा। एकदम ठीक बात कही तूने बेटा, इसीलिए तो चिकित्सकों के मन में सही सही बुखार बताने वाले किसी उपकरण के निर्माण की बात आई थी। ओ, दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था? ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में। तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए। चलिए ना। अच्छा तो चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस जी। दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है। अच्छा। हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी। नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर? बेटे एकदम अलग आकार था। अच्छा। बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर। जी, उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे। अच्छा। अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार। लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है? बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था। अच्छा। हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था। वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से? बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो जी, जिसे बुखार होता जी, डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते जी। उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता। फिर मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता जी। अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती। अच्छा। और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती। लेकिन बुखार? ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से जी। तो बेटा तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना जी, इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती जी। शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते। अच्छा। और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात। क्या? देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था जी, कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे। यानी
बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता। बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना। हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं। हाँ जी, इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर जी दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया। अच्छा। हाँ बेटा, अनेक डॉक्टर उसका उपयोग भी करने लगे। पर फिर भी जी उससे रोगी के सही तापमान का अनुमान लगाना मुश्किल था जी, इसलिए उसमें आगे विकास और सुधार होते रहे। अच्छा। आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना। जी समझ गई ना। जी, पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था जी, और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते। अच्छा। आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा। वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर। नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे। अच्छा। हाँ बेटा, और बाद में अल्कोहल का स्थान पारे या मरकरी ने ले लिया जी, और फिर शरीर का तापमान कितना है इसे जानने का पैमाना भी विकसित कर लिया गया बेटा। वो किसने किया? वो बेटा जर्मनी में जी प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हुए हैं, ग्रेबियल डेनियल फॉरेनहाइट। क्या? ग्रेबियल डेनियल फॉरेनहाइट। हाँ बेटा, उन्हीं के नाम पर इसे फॉरेनहाइट स्केल नाम दिया गया। लेकिन आजकल तो तापमान का सेल्सियस पैमाना काम में लाया जाता है। हाँ बेटा, इसका श्रेय प्रसिद्ध वैज्ञानिक सेल्सियस को जाता है बेटा। अच्छा। हाँ, उन्होंने इसका विकास सन 1742 में किया था जी, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया। अच्छा। वैसे बेटा जी बुखार अपने आप में बीमारी नहीं, उसका लक्षण है जी। बुखार भी कई तरह के होते हैं बेटा, उनसे संकेत मिलता है कि शरीर में कोई रोग है। अच्छा। थर्मामीटर से रोगी के शरीर का सही तापमान जानकर डॉक्टर आगे जांच करके इलाज शुरू करते हैं। नाना जी, आजकल तो बाजार में नए से नए आधुनिक थर्मामीटर आए हैं। हाँ बेटा, आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं जी। ये अधिक सुरक्षित होते हैं बेटे जी, इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। अच्छा। डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा जी, लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता। अरे वाह। हाँ। पर बेटा डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है। हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे। हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है। वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं जी, बोलकर बतला देता है। नाना जी। हाँ? मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं। सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है। अच्छा। हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है। अरे वाह। हाँ,
और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती। वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी। है ना जी। अरे बेटा, नाना किसका हूँ। हाँ तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? तो भाई, इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है। वह बारिश का दिन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख देवेंद्र कुमार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार जयमिनी कुमार, सतीश कक्कड़, नीतू झांजी और मिताली, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।